अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। एसईओ का लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई टास्क मैंने दिया था करने को? ये कैसे हो सकता है सर, आपने दिया था कि आपने देख के आना कि प्रैक्टिकली हम स्कीमा किस तरह अप्लाई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये देख के आयो, बहुत इम्पोर्टेंट है यार ये। यस। अच्छा बताएं जी, किस तरह करते हैं स्कीमा अप्लाई? सिंपल है, कोई इतना औखा काम नहीं है। सर, एक टूल है स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, उसमें हम अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसका नेम, उसका यूआरएल, और उसकी उसके बाद हमारा कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, फिर अपना वो कोड अपने कोड के अंदर लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड बस। ठीक है, जैसे कि आप सबने मुझे बताया जी कि हम एक गूगल स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल है जिसपे हम जाते हैं, अप्लाई करते हैं और हमें आ जाता है। अच्छा, कि ये तो चलो होगी ना मोटी मोटी बात, स्कीमा हम अप्लाई कहाँ करते हैं? कोड आ गया, क्या करोगे कोड का? क्या करोगे कोड में? वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वहां पे इंडेक्स वर्डप्रेस फाइल पे होती तो है, कोड वहां पे इस्तेमाल ही आप नहीं होता। सर इंडेक्स फाइल में वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। नहीं, वर्डप्रेस पे असल देखो ना, कोड आगे क्या करोगे? यहां तक तो आप देख रहे हैं कि ठीक है जी, कोड आ जाता, वो तो उस दिन मैंने भी बता दिया था, पर देखा क्या है आप लोगों ने? वो तो मैंने भी बताया था कि गूगल का गूगल स्ट्रक्चर डाटा है, वो स्कीमा डॉट ओ आर जी है, यहाँ से सब मिल जाएगा, तो मैंने भी बताया था, तो देख के क्या आए हो? सर क्लास बना के पेस्ट कर सकते हैं। हम क्या कहां जी, ये अल्लाह आपका भला करे। हमने क्या करते हैं, हम अपने वेबसाइट के कोड में उस कोड को ऐड करते हैं। अब वो हम बेशक एक सेपरेट क्लास बना के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में नहीं करना ना, वर्डप्रेस में तो उसका प्लगइन होता है स्कीमा का। वर्डप्रेस का यही तो सबसे बड़ा एज है आपको, कि वर्डप्रेस पे आपको मेहनत नहीं उस तरह करनी पड़ती। वर्डप्रेस पे आपको हर इवन के जो आप एसईओ करते हैं उसका भी आपको प्लगइन मिल जाएगा। वर्डप्रेस पे जो हम वर्डप्रेस पे एसईओ करते हैं उसका प्लगइन होता है। वर्डप्रेस पे आपको यही सबसे बड़ा है जो है कि हर चीज का आपको रेडीमेड मिल जाएगा सामान, उसका प्लगइन मिल जाएगा। उसी तरह ही स्कीमा का वर्डप्रेस पे प्लगइन होता है। ये हम यूज करते हैं हमारे उन साइट्स के ऊपर जो पीएचपी में बनी हुई है, जो पाइथन में बनी हुई है, यानी जो कोडिंग लैंग्वेजेस में बनी हो आपकी वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस पे तो आप प्लगइन यूज करते हैं हम। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया कि आज जब हमारे पास स्कीमा आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने वर्डप्रेस के कोड में ऐड करेंगे, वो हमें सेपरेट क्लास बना के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो वर्डप्रेस के ऊपर ही फोकस रहेगा, स्कीमा के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा। वो क्यों, मैंने आपको क्या बताया था कि
जो जितना कंपटीशन इस टाइम मार्केट में चल रहा है ना, आप कहें जी कि मैं सिर्फ लिंक बिल्डिंग करके या हल्की सी ऑन पेज करके रैंक करा दूं वेबसाइट, दिस इज नॉट पॉसिबल नाउ डेज, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया हुआ है कि हशर हुआ हुआ है हर कीवर्ड पे। तो इस टाइम सबसे ट्रेंडिंग एक जो चीज चल रही है यहाँ, जो एक बड़ी चार्मिंग चीज चल रही है, वो स्कीमा है। ऐसे रिस्पॉन्स आता है वहां पे, वेबसाइट पे स्कीमा लगाओ ऐसे रैंक करेगी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली आप लिंक बिल्डिंग भी करोगे, ऑन पेज भी करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपने अब स्कीमा को भी लेके चलना। हमने लिंक बिल्डिंग में बहुत डिटेल्ड बात की, हमने ऑन पेज पे बहुत डिटेल्ड बात की, अब हम टच करेंगे स्कीमा को, ठीक है जी। स्कीमा मार्कअप है, स्कीमा बेसिकली मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर दूं, हम किस लिए यूज, स्कीमा का कोई एक पर्पज नहीं है कि आपको जी ये स्कीमा का पर्पज है, स्कीमा का एक पर्पज नहीं है। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज स्कीमा का क्या था, क्या बताया मैंने, है? और यार वो तो बात की बात है ना, स्कीमा हम लगाते क्यों है, रैंक कराना ठीक है, आप एक SEO एक्सपर्ट हो, आपकी बात जरूरी नहीं है कि रैंक से शुरू हो रैंक पे खत्म हो। डेफिनेटली बेसिकली जो आपका स्कीमा होता है वेबसाइट का, जो स्कीमा होता है बेसिकली ये हम गूगल के बॉट के लिए भी लगाते हैं। गूगल का एक एल्गोरिथम होता है ना, एक बॉट होता है जो आपकी वेबसाइट को स्टडी कर रहा होता है। अब उसमें अगर आपका स्कीमा नहीं लगा होता ना, जिस भी वेबसाइट पर स्कीमा नहीं लगा होता, आपके गूगल के बॉट को आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ लगता। एग्जैक्टली उसके आपके बॉट को आपके वेबसाइट की समझ नहीं लगती कि वो है क्या चीज, वो फिर अपने अंदाजे से उसको रैंकिंग दे देता। लेकिन जब उसको स्कीमा लगाओ, उसको आइडिया हो जाता है कि नहीं यार ये इस वेबसाइट का ये पर्पस है, ये स्ट्रक्चर है, ये काम है, ये सारे मामला आता है, ठीक हो गया। अच्छा ये तो एक पर्पस हो गया, दूसरा रिव्यूज रेटिंग्स। ये कभी आप सोचा है क्यों आपको शो हो रहे होते हैं? ये अक्सर आप देखो ना वेबसाइट रिव्यूज आ रहे होते हैं, रेटिंग्स आ रही होती हैं, यार कभी सोचा है क्यों शो हो रहे होते हैं? ये भी स्कीमा की वजह से शो हो रहे होते हैं। हाँ जी स्कीमा का, क्योंकि स्कीमा लगा नहीं होता ठीक है, स्कीमा का काम भी है ये, स्कीमा की एक टाइप भी है ये, स्कीमा का एक पर्पस भी है ये, आपको आपकी वेबसाइट के रिव्यूज और रेटिंग शो करवाना, ठीक है। अच्छा एक वेबसाइट है जी, एसिड बंद हो गई है, चलो अब नया जवानी समझ लो यार, कुछ नहीं होता, आपको साथ साथ में बता ही जाता हूँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। स्कीमा डॉट ओ आर जी, ऑनलाइन तो नजर आ रहा है ना सबको, जो मैंने खोली भी है वेबसाइट।
ये एक नॉन गवर्नमेंटल और समझ लें इदारा है जो कि डिफरेंट सर्च इंजन से मिलकर बनाया है, जिसमें आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, याहू है, याएंटेक्स है, ठीक है। इन्होंने एक कम्युनिटी अपनी बनाई हुई है स्कीमा .org के नाम पे। हाँ बेसिकली ये स्कीमा कोलेबोरेशन का एक मेन फोरम है, ठीक है। आपको यहाँ से आइडियाज वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह आराम से जो है इसके रिलेटेड मिल सकती है। स्कीमा .org ये जाके चेक भी करना। अच्छा इसमें अब इसने हमें थोड़ा सा स्कीमास के बारे में भी बताया, वो हम देख लेते हैं। हाँ कर दो, इसमें भी बात है। पड़ा अच्छा जी, अब इसके हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक वही है जो मैंने आपको बताया। स्कीमा इज अ सेमनेटिक वोकैबुलरी ऑफ टैग्स दैट यू कैन ऐड टू योर एचटीएमएल टू इंप्रूव द वे सर्च इंजन रीड एंड रिप्रेजेंट योर पेज इन सर्च। सर्च इंजन रीड एंड रिप्रेजेंट योर पेज इन सर्व, वो इस बात जो मैंने सर्व क्या होता है, क्या बताया था मैंने? शाबाश, अच्छा जी। अब कुछ इसने टाइप्स बताई हैं उन आइटम्स की जहां पे हम स्कीमा करते हैं, क्रिएटिव वर्क, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्लेस, प्रोडक्ट, ठीक है। टाइप्स नहीं है, ये प्रोडक्ट की टाइप्स हैं, यानी कहाँ कहाँ किन किन वेबसाइट्स के लिए हम स्कीमा यूज कर सकते हैं। मिसाल क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव वर्क क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे आपका आर्ट का कोई काम है, आर्ट गैलरी है, उसके लिए स्कीमा लगाओ। इवेंट है, इवेंट प्लानिंग का काम है आपका, उसके लिए लगाओ। जैसे शादी, शादी इवेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट है आपकी, जो पार्टीज करवाती हैं, शादी अरेंज करवाती हैं। यार स्कीमा आप हर टाइप की वेबसाइट के लिए यूज करते हो। देखो ना, आपकी चाहे जिस मर्जी किस्म की वेबसाइट है, आपने बॉट को बताना तो है ही है ना कि भाई जान मेरी वेबसाइट का ये पर्पस है।
पर्सन के लिए एंटरप्रेन्योर्स है, जिस तरह ये हर एंटरप्रेन्योर ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो आप हर डोमेन में आपने स्कीमा यूज करना। अच्छा, अब कौन कौन से सर्च इंजन है जो कि स्कीमा को यूज करते हैं? गूगल, गूगल का तो पता ना सबको, बिंग है, याहू है, यैंडेक्स है। अब बिंग, याहू, यैंडेक्स क्या होते हैं, पता है इस चीज का? कोई बात नहीं, जिस तरह गूगल एक सर्च इंजन है उसी तरह बिंग भी एक सर्च इंजन है, उसी तरह याहू भी एक सर्च इंजन है, उसी तरह यैंडेक्स भी एक सर्च इंजन है। थोड़ा और प्रैक्टिकल करते हैं। bing.com ये देखेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। कोई क्यूरी लिखे यहाँ पे, क्या लिखूं बताएं? इस पे जैसे हम गूगल पे एसईओ करते हैं, हमें इस पे भी एसईओ करनी पड़ेगी, लेकिन हम काम ज्यादातर एसईओ एक्सपर्ट गूगल पे करते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूज ही गूगल होता है। लेकिन दैट डजंट मीन के आपको बैंक का ना पता हो, आपको यैंडेक्स का ना पता हो, आपको याहू का ना पता हो, आपको आस्क का ना पता हो। यू आर एसईओ एक्सपर्ट। एक एसईओ एक्सपर्ट को हर सर्च इंजन का भी पता होना चाहिए, हर सर्च इंजन पे एसईओ किस तरह की जाती है उसको उस तरह उसका भी पता होना चाहिए एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट को। लेकिन हमारा ऑब्वियसली ज्यादा काम जो है वो गूगल पे ही है क्योंकि गूगल एक वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन है। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग समझ लग गई, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है उस तरह ये भी। अब नेक्स्ट कौन सा था? याहू। याहू का तो यार पता ही होगा सबको। ये देखें जी, yahoo.com, इससे भी कुछ लिख दो आप। सेम वही क्राइटेरिया है जो आप ये देखें। ठीक है, तीसरा कौन सा था? यैंडेक्स। ये लेंगे यैंडेक्स। डेफिनेटली डेफिनेटली भाई जान, डेफिनेटली। ठीक है, ये मेरे ख्याल से नया है आपके लिए यैंडेक्स। देखो जी, ये भी आपके सामने सर्च इंजन है ये भी। ठीक है जी, उसी तरह एक और है जिसने मेंशन नहीं किया हुआ। ask.com प्रेजेंस तकरीबन सबकी एक ही जैसी है, सर्च इंजन जो है। यार आपका वेबसाइट, फिर वही बात, आप बच्चों वाले सवाल करते हो, आपका वेब डेवलपमेंट से क्या काम है? मुझे नहीं समझ लगती आपके सवाल में, आपका वेब डेवलपमेंट से क्या काम है मुझे बताओ। आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो, आपका वेब डेवलपमेंट से क्या काम है? ये डिजिटल मार्केटर का टास्क है ही नहीं, ये डिजिटल मार्केटर की जेडी है ही नहीं कि वो वेब डेवलपमेंट करे। क्या हो, क्या बच्चों वाले अनप्रोफेशनल सवाल करते हो यार आप? हर लेक्चर में आपका ये सवाल आता है वेब। देखिए, वेब डेवलपमेंट एक डिफरेंट फील्ड है, हम डिजिटल मार्केटिंग एक डिफरेंट फील्ड है। अब देखो ना, मुझे कोई तेजी के मैं एएसओ करता हूँ, ठीक है, मुझे ऐप बनानी नहीं आती है, मैं क्या कहूँगा तू नलायक है? उसका काम ही नहीं है ऐप डेवलपमेंट।
उसी तरह मैं कहूँ जी मुझे SEO आती है, मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, और भाई मेरा काम ही नहीं है वेब डेवलपमेंट का, मैं एक SEO एक्सपर्ट हूँ, उसी तरह एक SEO एक्सपर्ट का, एक डिजिटल मार्केटर का काम ही नहीं है वेब आना ना आना, ये दिस इज अनदर थिंग, एक अच्छी चीज है, आपके स्किल में इजाफा है अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है तो, अच्छी चीज है, आपका स्किल है ये। अगर आपको ग्राफिक डिजाइन, फिर देखो ना उसके फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। अब एक बंदा क्या क्या सीखेगा, वो कह जी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी प्रोफेशनल हो जाऊँ, मैं वेब डेवलपमेंट में भी प्रोफेशनल हो जाऊँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रोफेशनल हो जाऊँ, यार कोई सेंस बनती है? एक फील्ड पकड़ो उसके एक्सपर्ट बनो। जो दो कश्तियों में सवार होता है वो डूबता ही है, ये भी बता दूंगा आपको, ये कहावतें हैं, ये झूठी कहावतें नहीं है। सवार आपने एक ही कश्ती में, एक फील्ड पकड़ो उसके एक्सपर्ट बनो। अब पर्सनली मुझे वेब डेवलपमेंट उस तरह नहीं आती क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। अब मैं उधर सर पकड़ के, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल ही नहीं आती क्योंकि मेरा वो काम नहीं है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है। अगर इसके साथ मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, ये मेरा एज है, मेरी मजबूरी नहीं है ये, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। उस तरह तो फिर आपको होगी तो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, मुझे वेब डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, मुझे PHP डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, क्या क्या करोगे आप मुझे बताओ। वेब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ वर्डप्रेस की डेवलपमेंट आए, फिर आपको PHP की डेवलपमेंट आनी चाहिए, आपको पाइथन की आनी चाहिए, आपको HTML आना चाहिए, आपको CSS आना चाहिए, ये तो फील्ड ही रहता है। यार वो तो मेरा आपसे वादा है कि जो लास्ट क्लास हमारी SEO की होगी वो वर्डप्रेस पे ही होगी, लेकिन इस चीज को दिमाग में इतना सवार ना करो कि आपका मेन फोकस डिजिटल मार्केटिंग से हट जाए। डिजिटल मार्केटिंग शुड बी योर मेन फोकस अगर आप ये कोर्स अटेंड कर रहे हो, फिर तो फायदा ही नहीं हुआ ना। हम आपका कैरियर बना रहे डिजिटल मार्केटिंग में, बातें आप वेब डेवलपमेंट की, ग्राफिक डिजाइनिंग की कर रहे हो मेरे से। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट करनी है फिर उनकी वो उस फील्ड को पकड़ो, उनके कोर्सेज अटेंड करो। हमारा यहाँ पे मेन फोकस इस क्लास में सिर्फ SEO है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अपना अटेंशन आज की यूथ का सबसे बड़ा जो है ना, है ही है कि हमने एक जगह नहीं अपना दिमाग रखना, एक फील्ड पकड़ो उसके एक्सपर्ट बनो, उसके बाद ऐसे ऐसे स्किल एनहेंस करो, लेकिन अपने बेसिक स्किल तो बनाओ। आपकी एक बुनियाद तो होनी चाहिए, आपकी एक बुनियाद होनी चाहिए यार। आपको जी कि मैं एट अ टाइम डिजिटल मार्केटिंग भी सीखूं, वर्डप्रेस भी सीखूं, फिर वेब डेवलपमेंट में आपको मैंने वर्डप्रेस सिखा दी, एक आपके पास क्लाइंट आएगा PHP का क्या करोगे, PHP सीखोगे, फिर आपके पास पाइथन का आएगा क्या करोगे, पाइथन सीखोगे। इस तरह करोगे तो वर्डप्रेस भी भूल जाएगी, पाइथन भी नहीं याद रहेगी, PHP भी नहीं याद रहेगी। एक कोर पकड़ो उसके एक्सपर्ट बनो। अच्छा अब हम कहाँ का क्या बात कर रहे थे, हम ये सर्च इंजन्स की स्कीमा जो कर ही रहे थे, सर्च इंजन की। Shopify SEO, अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, ये एंड में आप क्वेश्चन पूछा, थोड़ा ज़रा टाइम टेकिंग है। पहले हम सर्च इंजन डिस्कस करने, फिर आगे भी ये Shopify वगैरह डिस्कस करते हैं। अच्छा अब ये ask.com, ये भी आपने पहली दफा देखा होगा क्या, पहले सुना कभी इसका? देखो ना, अब हम एक SEO एक्सपर्ट हैं, अब हमें सिर्फ गूगल का नहीं पता होना चाहिए, ठीक है ना, कितने सर्च इंजन काम कर रहे हैं आपको उनका पता होना चाहिए, बहुत होंगे लेकिन मेन यही है होंगे हर, इवन के कोशिश तो यही है कि ये सब कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो गई, अब अपने अपने भी सर्च इंजन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड वाइड गूगल ही यूज हो रहा है, क्रोम पाइन गूगल का ही है। क्रोम जो है वो गूगल का है, ठीक है जी। अच्छा अब स्कीमा निकालते किस तरह है,
क्या बताया था मैंने? शाबाश। यही है। स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप हेल्पर, ये निकाल के देगा आपको, ठीक है? ये लिख लो अपने पास, गूगल स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप हेल्पर। ये इजी है। वो डेटा का टेस्टिंग टूल है ये मार्कअप का। गूगल स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप हेल्पर, वो डेटा टेस्ट करने के लिए ये मार्कअप के लिए। अच्छा, ये खोल लिया आपने। अब गौर से सुनो, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि प्रैक्टिकली अब स्कीमा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। अटेंटिव हो जाए सारे, ऑनलाइन भी जो है ना सारे जरा अटेंटिव हो जाएं। क्या लिखेंगे हम? ठीक है जी, ओपन कर लिया। इसके बाद हम सबसे पहले इसको बताएंगे कि हमारी वेबसाइट है किस टाइप की। आर्टिकल्स है, इवेंट टाइप है, मूवीज है, रेस्टोरेंट की है, बुक रिव्यूज है, जॉब पोस्टिंग टाइप है, प्रोडक्ट है। हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट की किस में वेरी कर रही है। मिसाल के तौर पे हमारी है जी, अब लोकल बिजनेस कर सकते किसके लिए? लोकल बिजनेस, वेरी गुड चॉइस। प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। यार बुक रिव्यू अगर मिसाल के तौर पे आपकी कोई है लाइब्रेरी है, आपका उसका काम है, स्टेशनरी का काम हो सकता है, एनालिस्ट का काम है, बेहतरीन बुक रिव्यू की एग्जांपल। जॉब पोस्टिंग, आपका कोई ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, अक्सर आपको पता है लोग रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे दे रहे हैं ना, आपकी भी हो सकती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं रियल एस्टेट का सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? प्रोडक्ट के नीचे क्या लिखा हुआ? हाँ जी, अच्छा, मेरी एक ऐसी वेबसाइट है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है इवेंट मैनेजमेंट की। शाबाश, ठीक है। मैंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां पे मैं फिल्में डाल रहा हूँ, इंडिया की या पाकिस्तान की, और अगर मैं ड्रामे डाल रहा हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे डाल रहा हूँ, नहीं, हाँ जी, पूरा डिटेल से आपने पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप अपना यूआरएल डाल दोगे उस पेज का जिसका आपने स्कीमा लेना है, होम पेज का, अपनी वेबसाइट का डालो आप। स्टार्ट टैगिंग करोगे तो वो आपको निकाल के दे देगा।
ये तरीका है किसी भी वेबसाइट का मार्कअप निकालने का। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोगों को नहीं पता, लोग भूल जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको इसका नाम नहीं पता होता, गूगल स्ट्रक्चर डाटा मार्कअप हेल्पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां तक क्लियर है सबको, स्कीमा किस तरह डालते हैं, स्कीमा का पर्पस क्या है? कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन, किसी को मसला को क्वेरी तो मुझसे पूछे, फिर हम आगे मूव करें। जब आपने अपने कोड में डाल दिया है तो ऐड ही ऐड, बिल्कुल ऐड है। इसका यही तो फायदा है कि आप अपने कोड में डालना। उस वेब पेज का स्कीमा, जैसे देखो ना मेरी होम पेज है, टेक्नो का होम पेज है, मुझे टेक्नो के होम पेज का स्कीमा चाहिए ना, उसके लिए स्कीमा चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो कोड है वो गूगल पढ़े तो उसको समझ लगे कि वो क्या है। गूगल को हमारी वेबसाइट ऐसे नजर थोड़ी आती है, उसको तो बेसिकली कोड नजर आता है ना, तो ये बेसिकली कोड में इसलिए तो डालते हैं ताकि उसको समझ लग जाए ये उस वेब स्पेसिफिक वेबसाइट का कोड है स्कीमा जो होता है। अच्छा अब मुझसे किसी ने पूछा था कि Shopify क्या होता है, Shopify का आइडिया है किसी को? अच्छा जब हम ई कॉमर्स पे काम करते हैं ना, बेसिकली Shopify जो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है जी। यहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं आगे, अच्छा मुझसे किसी ने पूछा कि इसकी SEO क्या होती है, तो इस यहाँ पे जब हम इसकी जिस तरह हम अपने वेब बेस्ड चीजों की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उस तरह हमने अपने जो है Shopify पे भी डाली होती है, ठीक है, तो उनकी जब हम SEO करते हैं तो वो Shopify SEO होती है। बेसिकली ये ई कॉमर्स जो आपकी वेब बेस्ड बनी होती है ना चीजें, उसके लिए होती है। ठीक है जी, क्लियर है Shopify का जिसने पूछा था मेरे से?
नहीं, ई कॉमर्स वेबसाइट और चीज है, एसईओ एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए। जो शॉपिफाई है वो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म ही लेता है। ई कॉमर्स वेबसाइट और चीज होती है, शॉपिफाई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ये तो चीज ही ले रहा है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर डाटा मैकअप हेल्पर स्कीमा डिस्कस कर रहे थे हम, स्कीमा की समझ लग गई। अगर जैसे इसके लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टेक्नो है हमारा, टेक्नो को हम यहाँ किस कैटेगरी में वेरी कर सकते हैं इस वेबसाइट को? नहीं, किस तरह? ये तो टेक्नो हम आपकी वेबसाइट है जो आप ये कोर्स वगैरह कर रहे हो, इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं? इसको हम करेंगे लोकल बिजनेस पे, क्यों बोला? बेसिकली बिजनेस ही है ना ये। अब किसी ने ये थोड़ी देखना कि आपकी नीयत क्या है, कर तो आप बिजनेस ही रहे हो ना। यह मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, ये देखो। ठीक है, हाँ जी, वो कह रहे हैं ये सारी चीजें आगे मिसिंग है। अब आपको वन बाय वन यहां सब ऐड करनी पड़ेंगी, नहीं समझ लेगी। देखो वो कह रहे थे कि आपकी, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आपकी वेबसाइट से ये सारी चीजें मिसिंग है जो कि गूगल को नहीं समझ लगेंगी। जब तक गूगल को इन चीजों का नहीं पता होगा उसको आपकी वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग, फिर आप क्या करते हो, ऐड मिसिंग टैग्स करते हो। ठीक है, यहां जाके फिर आप उन एड्स को, टैग जो आगे मिसिंग होते हैं उनको ऐड करते, सेव जब करोगे तो यहाँ पे क्रिएट एचटीएमएल करके वो कोड आपको जनरेट कर देगा। बस कोड आ जाएगा जिसको आपने वेबसाइट पर, क्रिएट एचटीएमएल मतलब कोड आएगा आपके पास, वो वेबसाइट पर लगा देगा। वेबसाइट के कोड में आपकी वेबसाइट का कोड होता है ना, उसका। लेकिन जो हम ज्यादा ये चीज है ना, अब जैसे अगर हम ये क्लाइंट बेस्ड काम कर रहे हैं तो हम ये क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं कि जी अपने डेवलपर को इसको यहाँ पे लगा दें। या अगर हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं तो हम ये निकाल के फिर आगे डेवलपर को दे देते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, फिर देख रहे हमें क्या क्वेरी देता है। ये देखो,
URL, author, date published, publisher, category, operating system requirements, software version, कह रहे ये चीजें आपकी सारी मिसिंग है अगर आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो. हमें लग रही है बात की आपको पूरा स्टडी करते हैं फिर आपको वेबसाइट को तो उसको रैंक करने में फिर आसानी हो जाती है. अच्छा अगर मैं कहता हूं जी मेरी है डेटा सेट्स हैं ये पूरी आपकी वेबसाइट को स्टडी करता है उस पेज को नेम डिस्क्रिप्शन ये यानी वो है ना कि इनके बगैर तो आप कार्य नहीं जा सकते बाकी फिर ऑप्शनल होते हैं ये तो पक्के आपने देने ही देने हैं है बिजनेस का नाम लिखा है ना तुम और डिस्क्रिप्शन में कि वो बिजनेस क्या है वर्डप्रेस का प्लगइन होता है ठीक है जी क्लियर हो आप लोग यहाँ तक कोई मसला मसाइल कोई कंफ्यूजन यार ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज का स्कीमा जो कोड यार आपकी वेबसाइट आपकी जो भी वेबसाइट होगी वो किसी ना किसी चीज पे तो बनी होगी ना किसी कोड पे उस कोड के अंदर आप एंटर करते हैं स्कीमा सब अगर समझाता हूँ घबराओ ना आपको ये भी करके दिखा देते हैं सारी मेहनत मेरे से करवाओ खुद ना कुछ करो ये नहीं ये वर्डप्रेस पे अच्छा अब मिसाल के तौर पर समझो नजर आ रहा है ना सबको अच्छा अब मिसाल के तौर पे आप समझो कि ये आपकी वेबसाइट का कोड है ठीक है एग्जांपल तो इतना छोटा कोड होता नहीं होता वेबसाइट का एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि ये आपकी वेबसाइट का कोड है आपने क्या करना है इसके अंदर एक सेपरेट क्लास बना के ये देखो जैसे ये क्लास बनी हुई है सेपरेट क्लास बना के अपने सोर्स फाइल में आप समझ लो कि ये सारा आपकी वेबसाइट का कोड है आपने क्या करना है इसकी सेपरेट एक क्लास बना लेनी है क्लास बनाने का तरीका क्या होता है ये आपने फिर यहां से अपना HTML का कोड लिख देना ठीक है
तब जो आपने कोड लिख दिया यहाँ तक आपका कोड आ गया, और फिर आपने क्लास को क्लोज किस तरह करना है, ऐसे क्लोज देर में आना, आप अपना लिखोगे जो आपको कोड वो जनरेट करके देगा क्रिएट एचटीएमएल में, इस तरह अलग से आपने वो करना। लगी समझ? कोई बात नहीं, फिर समझ लो। आप ये समझो ये सारा आपकी वेबसाइट का क्या है, कोड है, ठीक है। कोड की फाइल होती है हमारे, हर जो भी वेबसाइट जिस भी बनती है उसकी कोड की फाइल लाजमी होती है जो आपके पास पहुंचेगी, पहुंचेगी जो उसने वेबसाइट बनाई होगी वो देगा आपको, वो तो आपको डेवलपर देगा ना जिसने वेबसाइट बनाई होगी। आपने क्या करना है, आप इसमें एक अलग से क्लास बनानी है, ठीक है। यहां पे आपने क्या लिखना है, जो कोड आपको वहां से आएगा एचटीएमएल कोड, समझो ये कोड है सारा, ठीक है। अब क्लास आपने बंद किस तरह करनी है, ऐसे, ठीक हो गया यार। इससे भी आसान अल्फाज में बताता हूं, ये दो चीजें लिख के ना आप इनके सेंटर में कोड लिख देना, वो वाला जो कोड वहां से आएगा, बस इतना सा काम है ये आपका। हैं यार इसको दिखा दो, क्लोज किस तरह करेंगे, आसान है यार कोई मसला नहीं। लग गई समझ? हाँ जी। अब यहां तक बताया कोई मसला को मसाइल, आज हमने प्रैक्टिकल स्कीमा लगाया आपको, प्रैक्टिकल स्कीमा लगा के दिखाया जो कि आपकी रैंकिंग में एक बूस्ट का किरदार अदा करेगा। आप क्या मतलब हाँ मिसिंग में आपने वो तो देनी देनी है ना जिसने कहा रिक्वायर्ड है, बाकी बेशक ना दो, लेकिन वो तो आपने देनी, बाकी दोगे तो जितनी ज्यादा डिटेल दोगे उतना रैंकिंग के चांसेस ज्यादा है, ये भी बता दूं आपको। जितनी डिटेल्स आप देंगे उतने ही रैंकिंग के चांसेस ज्यादा हैं, उतनी ही जल्दी रैंकिंग होगी, और जितनी कम डिटेल देंगे उतना वो प्रोसेस कम होगा, ठीक है। है? कोड का। यार कोड आपको वेबसाइट का जो अगर वर्डप्रेस पे बनी हुई है वो सी पैनल से मिल जाएगा आपको गोडैडी से, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है गोडैडी पे तो उसका सी पैनल आपके पास होगा ना, वहां से आप सोर्स साइट जो है फाइल लगा सकते। वेबसाइट आपकी जब बनती है वो किसी ना किसी चीज पे बनी होगी ना, यहाँ अगर वर्डप्रेस पे नहीं बनी होगी तो पीएचपी पे बनी होगी, तो पीएचपी पे जब बनी होगी तो कहीं ना कहीं से डोमेन होस्टिंग उसकी ली होगी, जहां से डोमेन होस्टिंग ली होगी वहां से आपको कोड मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये आपका काम नहीं है, हाँ जी ये कोड निकाल के आपने डेवलपर को देना है, ये आपका काम बिल्कुल नहीं है, और किसी ने आपको काम कहना भी नहीं है क्योंकि उसको पता ही आपका काम नहीं है। ऑनलाइन किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, स्कीमा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। यार क्वेश्चन पूछा करो ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी पार्टिसिपेशन है। वेबसाइट कितनी किस्म की होती है यार, वेबसाइट आपकी
मल्टीपल टाइप्स की है, वेबसाइट ब्लॉग टाइप की भी हो सकती है, वेबसाइट ई कॉमर्स टाइप की भी हो सकती है, वेबसाइट बिजनेस टाइप भी हो सकती है, वेबसाइट डिफरेंट टाइप्स की है। ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है, वेबसाइट बिजनेस के लिए बिजनेस अच्छा है यूज करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा स्कीमा में देखें, स्कीमा का मकसद ही तब भी पूरा होगा कि जब आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डिटेल दें, ठीक है ना। ये भी आपको, तो अगर आपको जी मैं सिर्फ नाम और डिस्क्रिप्शन दे दूं तो स्कीमा लगाने का क्या फायदा। अगर सिर्फ नाम और डिस्क्रिप्शन ही आपने देना है तो वो तो वैसे भी आगे वेबसाइट में मौजूद है। स्कीमा कोशिश करनी है थोड़ा डिटेल हो। बस हाँ, आपका काम खत्म वहां पे, फिर गूगल का काम शुरू है। उसके आपका टास्क, जब आपने कोड में स्कीमा एंटर कर दी है, आपका स्कीमा का टास्क खत्म हो गया, वहां से आगे फिर गूगल का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्रॉलिंग कर लेगा। हाँ उस कोड को कहते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है यार, स्कीमा एक कोड भी कहते हैं, स्कीमा एक एचटीएमएल कोड है। पहले तो आप ये अपना क्लियर करो ना कि स्कीमा किस शक्ल में है। हम स्कीमा पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आपको पता हो कि स्कीमा की शक्ल क्या है। स्कीमा एक कोड की शक्ल में होता है। मैं आपको स्कीमा की एग्जांपल दे देता हूँ। और ये क्लास हम कैसे बना सकते हैं, कोई बोल ज्यादा बेहतर। ये देखो सिंपल कोड है कि देखो, ये लोकल बिजनेस की मार्क एग्जांपल दे रहा, ठीक है। प्रोडक्ट स्कीमा, ये प्रोडक्ट मार्क, प्रोडक्ट स्कीमा जिसकी हम बात कर रहे थे, रिव्यूज एंड रेटिंग्स आ गई ना, देख लो ये काम है इसका। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक समझ लग गई स्कीमा डिटेल। स्कीमा में से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई मसाइल, कोड क्या मतलब? हाँ कोड
क्या मतलब? नहीं, जब आप ये करोगे ना क्रिएट HTML, यहाँ पे जाके जब क्रिएट, तो ये कोड आपको निकाल के देगा कोड आपको, फिर तो इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या हुआ? इसका काम है आपको कोड निकाल के देना, कोड डाउनलोड होगा आपके पास, डाउनलोड होगा, आप डाउनलोड करोगे उसको और उसको फिर एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे। सर कॉपी पेस्ट करने के बाद बस काम खत्म हो जाएगा, मतलब स्कीमेट हो जाएगा बस, हमारी वो वर्ड बस आप बस बना दिया। हाँ जी, बस आपका इतना ही काम है। ओके सर, ठीक है जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? कोई मसला, कोई मसाइल, कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है? आपने जब अपने वेबसाइट के कोड में चीज ऐड कर दी है तो बस खत्म हुआ नहीं। अच्छा, हमने बात की थी वेबसाइट इंडेक्सिंग के बारे में, हमने तो खाली डेफिनेशन की थी ना, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे कि वेबसाइट को इंडेक्स किस तरह करवाया जाता है नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो अब उसके लिए आपने घर से स्टडी करके आना है थोड़ा सा, वेबसाइट को प्रैक्टिकली इंडेक्स किस तरह कराया जाता है, क्योंकि अगर आपको वेबसाइट इंडेक्स करानी नहीं ना आती, फिर आप SEO करने का कोई जवाब नहीं, क्योंकि आप जब भी कोई चेंज करोगे कंटेंट में, कोई चेंज करोगे तो आपको वेबसाइट इंडेक्स करवानी पड़ेगी गूगल पे। हाँ, इंडेक्सिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, किस तरह की जाती है, ये प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंडेक्सिंग SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, आप उससे स्टडी करके आना। वेब मास्टर टूल क्या होते हैं ये पढ़ के आना, लिख लो अपने पास वेब मास्टर टूल। ये मैं पूछूंगा आपसे कि वेब मास्टर टूल के बारे में आप क्या रिसर्च करके आए हैं। रिसर्च करनी है आपको, रट्टा लगाने का तो कह नहीं रहा कि डेफिनेशन रट गया, थोड़ा रिसर्च करके आना आपने कि वेब मास्टर टूल्स क्या होते हैं, वेबसाइट किस तरह इंडेक्स की जाती है। ठीक है, 5-10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं लास्ट लेक्चर में, जो कि है फ्रीलांसिंग एंड कंटेंट राइटिंग का। ठीक है जी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।